ये वाला चैप्टर चल रहा था कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो मैंने बताया था एक तो एस 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 साइड साइड साइड, अगर इसका तीनों साइड इक्वल हो तो कॉन्ग्रेंट होता है। फिर क्या बताया था भाई, एस ए एस टू साइड्स इक्वल एंड इंक्लूडेड एंगल। फिर ए एस ए टू एंगल्स इक्वल एंड इंक्लूडेड साइड आर इक्वल एज वेल। मैंने आपको ये बताया था ना कि ए एस ए अगर है तो ए एस ए ए एस भी हो जाएगा ना, एंगल एंगल साइड, क्योंकि किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो इक्वल होके रहेगा। तो ए ए एस ए एस ए में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, दोनों क्या होता है सेम होता है। फिर मैंने दो दो एक्सरसाइज बता दिया था, एन सी आर टी का एग्जाम्पल्स होता वो आप देखिएगा सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट होता, एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो वो तुम देख लेना सॉल्व किए हुए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती तो मेरे से पूछ लेना। मैं आज एक्सरसाइज 7.3 की बात कर लेता हूँ। आपको पता है एक्सरसाइज 7.4 आपके सिलेबस से हट गया इस साल के लिए, ठीक है, इनइक्वलिटी हट चुका है। तो 7.3 की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे ना इस फिगर में, आपके पास बुक होगा, नहीं है तो वीडियो बंद करके पहले लेकर आओ बुक, देखो है ना, इस तरीके से दे रखा है ट्रायंगल एबीसी, देखिएगा ज़रा ऐसे ट्रायंगल एबीसी एंड बीडीसी, ऐसा दो ट्रायंगल दे रखा बीडीसी, ये कॉन्ग्रेंट दे, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच एबी इक्वल टू एसी एंड डी बी इक्वल टू डी सी, दोनों का दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा दे रखा। ए और डी को ज्वाइन किया और इसको यहाँ तक बी सी तक लेकर आए और इसको यहाँ पे बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूव क्या करना है, फर्स्ट आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी, तुम देख ही रहोगे। सेकेंड वाला आपको क्या प्रूव करना है, ए बी पी, ए बी पी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी, है ना, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी। इसमें थर्ड वाला पार्ट प्रूव करना है भाई, ए पी बाइसेक्ट, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी, बाइसेक्ट ए पी मतलब ये एंगल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल, इस ये एंगल इस एंगल के इक्वल लास्ट वाले में। सबसे पहले मैं पहले दो का बता देता हूँ, फर्स्ट का ये गिवन है ना, तो ए बी डी कंसंट्रेट करो इस वाले पे, इस वाले पे ट्रायंगल ए बी डी। मैं तो कहता हूँ वीडियो रोक के खुद ही बनाओ, तरीका तो यही होना चाहिए, नहीं बने तो फिर इसको चालू कर दो वीडियो को। और यहाँ पे आप देखना स्क्रीन के ऊपर ऐसे से बने हुए तीन डॉट बने हुए, उस पर क्लिक करना, तो इस वीडियो को तुम फास्ट भी चला सकते हो, है ना। आपको लगता है कि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ या वीडियो धीरे धीरे चल रहा है तो आप उसको फास्ट भी कर सकते हो, वहाँ पे स्पीड का ऑप्शन होगा, समझ रहे हो। ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी, अच्छा ये तो आप इस पे कंसंट्रेट करो। आपको पता है ए बी इक्वल टू क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, आइसोसेलेस है तो ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, ये भी गिवन है। तो इस वाले ट्रायंगल में डी बी इक्वल टू डी सी, ये भी गिवन है। और आपको पता है ए डी इक्वल टू ए डी, ये दोनों में कॉमन है। तो एस 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 कॉन्ग्रेंट रूल से पहला वाला प्रूव हो गया, देखने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया। अच्छा मैं लिख देता हूँ क्या कौन सा, ए बी डी जो दे रखा वही लिख लो, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पे ट्रायंगल बनाना होता तुम बना लेना। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो देखो तो एंगल ए एंगल ए के इक्वल हो गया, मतलब इधर वाला एंगल वन किसके इक्वल हो गया, इधर वाले एंगल टू के इक्वल हो गया, सी पी सी टी कहते हैं उसको। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, है ना, सी पी सी टी। तो यहाँ पे रहने देते हैं, पहला प्रूव हो गया। सेकेंड अब इस पर ए बी पी, ए बी पी, ठीक है। अब आप देखिए फिगर तुम्हारे सामने है, ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ए सी पी देख रहे हो, ये दो ट्रायंगल है। तो कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे भाई, ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन है भाई, दोनों में, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अभी थोड़ी देर पहले वन इक्वल टू टू हो जाएगा, क्यों, वन इक्वल टू टू किस लिए, सी पी सी टी, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो वन और टू तो इक्वल होना ही था, यहीं पे लिख देता हूँ वन इक्वल टू टू, देयरफॉर ये भी तो हो सकता है सी पी सी टी। तो चूंकि ये वाला कॉन्ग्रेंट है तो इसलिए दोनों इक्वल हो गया। अब देख रहे हो दो साइड,
दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इसको क्या बोलते हैं, बाई एस सॉरी हाँ ठीक तो दो साइड एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल से दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया कि नहीं हो गया, सेकेंड वाला प्रूव हो गया। तो कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप कौन कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, तो क्या कह सकते हो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, कह सकते हैं सिंपलिसिटी से। अगर ऐसा हो गया तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कह सकते हैं ना भाई, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब आता हूँ थर्ड वाले पे, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, तो ये तो पहले ही प्रूव हो चुका ना, है ना, बाइसेक्ट का मतलब क्या, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू होना चाहिए, तो पहले ही प्रूव हो चुका है ना। देखो तो ऑलरेडी क्या प्रूव हो चुका है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू प्रूव हो चुका है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू प्रूव हो चुका, देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, है ना। अब इसको बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, इसके लिए आप ट्रायंगल आ जाइए, कौन सा, बी डी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी, है ना। तो ये तो दोनों में कॉमन है, डी पी इक्वल टू डी पी कॉमन है भाई। इसके बाद ये देखिए, ये भी कॉमन है, तो बी डी इक्वल टू सी डी क्योंकि ऑलरेडी ये एसोसिलस ट्रायंगल है दे ही रखा। इसके बाद एक बार बताओ, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल इस एंगल के कॉमन होगा, देख लो इसको मैं थ्री कर लेता हूँ, इसको फोर कर लेता हूँ, एग्री हो कि नहीं हो, क्यों, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट था तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये बड़ा वाला एंगल और ये ऑलरेडी बराबर हो चुका, तो जरा बताओ बचा खुचा भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं बताओ। या एक काम करो, छोड़ दो रहने दो, डी पी इक्वल टू डी पी कॉमन है, बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी क्योंकि एसोसिलस ट्रायंगल है, मैं बी पी इक्वल टू सी पी कर सकता हूँ, बी पी इक्वल टू सी पी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया, ये देखो तो क्या प्रूव कर रहे हैं, दूसरा वाला ए बी पी यहाँ से प्रूव हो गया, ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ए सी पी, अभी अभी प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, यही तो प्रूव कर रहे थे, ए बी पी ए सी पी। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या हो गया, यहाँ से बी पी इक्वल टू सी पी होगा कि नहीं होगा, बी पी इक्वल टू सी पी है ना। तो ये वाला कहाँ से, सी पी सी टी से हो गया, तीनों साइड इक्वल हो गया, तो एस एस एस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस 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 कॉन्ग्रेंट रूल, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुका ना, तो ये वाला साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा, हो गया भाई, हो गया। तो एस 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 कॉन्ग्रेंट रूल से क्या हो गया, बी डी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी पी, तो देयरफॉर एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी, ये देखो इस एंगल की बात कर रहा हूँ, बी डी पी सी डी पी बराबर हुआ कि नहीं, किस लिए, सी पी सी टी, है ना। तो देयरफॉर डी पी बाइसेक्ट्स एंगल डी, है ना, देख लो पहले क्या था, ए पी जो है ना इसको बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल ए को, तो यहाँ पे पहले इक्वल हो चुका था, अब प्रूव करना है कि इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको मैंने कॉन्ग्रेंट कर दिया दोनों को, कैसे, ये ऑलरेडी इक्वल था क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये कॉमन है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट है, तो बी पी इक्वल टू सी पी, तो कॉन्ग्रेंट हो गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा, तो ये एंगल के इक्वल हो गया, तो हो गया एंगुलर बाइसेक्टर। अगर कोई लाइन किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो उसको क्या बोलते हो, एंगुलर बाइसेक्टर। पहला तो क्वेश्चन यही था, सेकंड क्वेश्चन तुम लोग देखो तब तक। अब देखो सेकंड क्वेश्चन यूं कह रहा है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ SS, ठीक है, AB इक्वल टू S AC, सो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। चलो AD बाइसेक्ट एंगल BC, ये देखिए आपके सामने AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ एन एसोसिलस ट्रायंगल ABC, एक फिगर बना लेता हूं, ये देखिए ABC, AD एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड समझते हो ना, एल्टीट्यूड बोलते हैं परपेंडिकुलर को, मींस 90 डिग्री को, ये देखिए 90 डिग्री, राइट, ये हो गया, इसमें AB इक्वल टू एसोसिलस है, AB इक्वल टू AC, ये सब गिवन चीज़ों पे चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। शो दैट, पहला आपको जो प्रूव करना है, एंगल B इक्वल टू एंगल C, फर्स्ट आपको ये प्रूव करना है, सेकेंड AD बाइसेक्ट्स BC,
ए डी बी सी को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, मतलब ये वाला साइड डी बी इक्वल टू डी सी प्रूव करना है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। और थर्ड, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। आप देखिए ना जरा, देखो जरा, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो सारे का आंसर क्या मिल जाएगा, कॉन्ग्रुएंट कर लो किसको, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी टी। ये एल्टीट्यूड है ना, मतलब 90 डिग्री, तो इधर 90 तो इधर 90, लीनियर पेयर, अगर एक 90 तो दूसरा भी 90। तो जरा एक बात बताइए, ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए सी, ऑलरेडी गिवन है क्योंकि ये एसोसिलेस ट्रायंगल है, तुम जाके देखो बुक को, ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद जरा एक बात बताइए, ये देखो आप, ए डी एट, ए डी ये क्या है, कॉमन है। मुझे एक बात बताओ, ये जो इस वाले ट्रायंगल में जो ए बी है ना वो 90 डिग्री के सामने है, इस वाले ट्रायंगल में ए सी जो है 90 डिग्री के सामने है, तो राइट एंगल ट्रायंगल दोनों हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आर इक्वल एंड वन साइड इक्वल एज वेल, देयरफॉर आर एच एस, आर का मतलब राइट हैंड, इन राइट हैंड ट्रायंगल इफ हाइपोटेनियस एंड वन साइड्स आर इक्वल देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट होने के सारी बातें कह सकते हो, तो देयरफॉर क्या कह सकते हो, बी डी इक्वल टू सी डी, और देयरफॉर क्या, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी कह सकते हो। ये दोनों क्यों कह सकते हो, सी पी सी टी से, और यही प्रूव करना था हमें कि ए डी बाइसेक्ट बी सी, मतलब दिस इक्वल टू दिस, एंड ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यही प्रूव करना था। देखो सेकेंड क्वेश्चन यही था, आता हूँ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दो ट्रायंगल दे रखा, आप लोग पास बुक है, अच्छे से देख लो पहले। देखिए दो ट्रायंगल बना हुआ है, सुन लो, ये दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर, ए डी एंड पी एम, फिगर ऐसे बना हुआ है। इसके बारे में देखो क्या कह रहे हैं, ए बी बी सी एंड मीडियन, ए बी बी सी एंड मीडियन, मीडियन ए डी आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग पी क्यू, क्यू आर एंड मीडियन पी एम। देख लो तो प्रूव दैट, क्या क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट फर्स्ट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एम, ट्रायंगल पी क्यू एम एक ये प्रूव करना है। सेकेंड ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ये प्रूव करना है। अब जरा सुनो मेरी बात, ए बी बी सी एंड मीडियन, मीडियन किसको कहते हो, अगर ए डी के बारे में कह रखा कि मीडियन है, इसका मतलब डी मीड पॉइंट है, तो मीडियन उसको कहते हो जब मीड पॉइंट को सामने वाले से मिलाते हो, इट मीन्स ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। पी एम को इन्होंने मीडियन का, मैंने नहीं इन्होंने कह रखा, इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, मीडियन है, तो मीड पॉइंट को मिलाओगे तो मीडियन हो जाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, ए बी, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन देखोगे, पूरा मैंने लिखा नहीं, करस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिवली ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है भाई, पी क्यू के इक्वल है, एक लाइन खींचता हूँ समझ जाना, पी क्यू एक लाइन, एक लाइन वाला एक लाइन के इक्वल है, ठीक है, ऐसा वाला, ठीक है। इसके बाद बी सी, ये पूरा का पूरा बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, और मीडियन ए डी, यहाँ पे दो लाइन, तीन लाइन खींच लेता हूँ, ये है ना, इसके इक्वल है। तो क्या प्रूव करना है, पहले तो ए बी डी, ए बी डी, तो चलो एक काम कर लेता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना,
पहले मुझे बताइए बी सी इक्वल टू क्या दे रखा, क्यू आर दे रखा कि नहीं? ये ऑलरेडी गिवन है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने दे रखा। तो बी सी इक्वल टू की आर, तो हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ, भाई अगर 10 10 के इक्वल है तो 10 का आधा 5, 5 5 के इक्वल होगा। तो बी सी का हाफ, इस पूरे का हाफ मैं बी डी भी लिख सकता हूँ, सी डी भी लिख सकता हूँ, तो मैं बी डी लिख लेता हूँ। क्यू आर का हाफ ये भी है ये भी है, तो मैं क्यू एम लिख देता हूँ, क्योंकि पहले वाले ट्रायंगल पे नज़र है। अब आ जाइए ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम पे आइए जरा, समझ रहे हो? ये पूरा 20 है तो ये भी पूरा 20 है। मान लो 20 का आधा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मीडियन है ना, तो मिड पॉइंट 20 का आधा ये 10 हो गया, तो इसका भी आधा 10 10 के बराबर होगा, सबको पता है ना? ये देखिए तो क्या होगा यहाँ पे, अब बड़ा गौर से देखो। पहले तो इस वाले ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये ऑलरेडी दे रखा, ठीक है। ए डी इक्वल टू पी एम, ये भी इक्वल है, मीडियन भी इक्वल है, ये भी इन्होंने कह रखा क्वेश्चन का हिस्सा है। थोड़ी देर पहले मैंने ये प्रूव कर दिया कैसे, तुम देख रहे हो ना। बी डी इक्वल टू क्यू एम, ये भी इसी छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर है, बी डी इक्वल टू क्यू एम। तो एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल, एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल से कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू एम हो गया कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंट होने के बाद आपको पता है फिर क्या क्या कह सकते हो, कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, कह सकते हो ना, कुछ भी कह सकते हो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा है भाई, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता, हम कह सकते हैं भाई। इसके बाद आगे क्या प्रूव करना है, ए बी सी और पी क्यू आर, बड़े वाले को ए बी सी और पी क्यू आर। थोड़ा एक बात बताओ ज़रा इसको मैं, अच्छा चलो यहीं पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये देखिए आप, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, बताने की जरूरत नहीं, वो दे रखा, ठीक है। बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन है, बी सी इक्वल टू क्यू आर। और मैंने क्या बोला था कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों? इसका रीज़न ये है, क्या रीज़न है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल पी क्यू एम के, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, जानते हो ना। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में आ गया, दो साइड, कौन सा दो साइड, ये इसके इक्वल था ये गिवन था, ये इसके इक्वल है ये गिवन था, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट हो गया प्रूफ। तो देख रहे हो दो साइड और इंक्लूडेड एंगल एस ए एस से, तो जो प्रूफ करना था हो गया कि नहीं हो गया, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, देख लीजिए आप, ठीक है, ये हो गया। आ जाइए अब फोर्थ क्वेश्चन, तुम लोग भी पढ़ लो। इन द गिवन फिगर बी ई एंड सी एफ टू एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट, देखो ठीक है, एल्टीट्यूड इक्वल है, प्रूव दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों एल्टीट्यूड है, दोनों इक्वल है, तो प्रूव करना है कि वीडियो पॉज करके तुम लोग बनाओ भाई, बहुत आसान है ये, तो बहुत ज़्यादा आसान है, वीडियो पॉज कीजिए बनाइए, और जब ना बने या बन जाए इसके बाद सॉल्यूशन देख लो कितना सही कितना गलत, ठीक है ना। तो फिगर में देख रहा ए बी सी ऐसा दे रखा, ए बी सी और यहाँ पे ई परपेंडिकुलर और यहाँ पे एफ परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पे बी ई इक्वल टू सी एफ, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, साइड्स इक्वल होगा ये प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू ए सी ये प्रूव करना है ना, हाँ ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी देख लिया है ना। अब एक बात बताओ, मैं इस वाले ट्रायंगल में आ जाता हूँ, इस वाले ट्रायंगल में देख लीजिए आप, इस वाले ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री है दे रखा, और इस वाले ट्रायंगल में आ जाता हूँ, इस वाले ट्रायंगल में देख लो आप, देख लो, तो कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, तो बी ई इक्वल टू सी एफ ये गिवन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने क्वेश्चन दिए देखा होगा, ये गिवन है, आपको प्रूव ये करना है।
और साथ में आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 डिग्री इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो क्वेश्चन का हिस्सा है। और BC इक्वल टू BC दोनों में कॉमन है, जानते हो कि नहीं, BC दोनों में कॉमन है। तो ये जो BC है ना, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में इसको हटा दो पहले, इस वाले ट्रायंगल में देखो BC किसके सामने, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हो, हाइपोटेनियस, ठीक है। और इसके बाद फिर से देखो, फिर से अब इसको हटा दीजिए, है ना, बल्कि अब इसको हटा दो, इस वाले ट्रायंगल में देखिए 90 डिग्री BC के, 90 डिग्री के सामने, तुम समझ रहे हो ना। तो ये दोनों का दोनों हाइपोटेनियस है, इस वाले ट्रायंगल का भी, उस वाले ट्रायंगल का भी हाइपोटेनियस। तो जरा बताइए, एक होता है RHS congruence rule by RHS criterion कह लो, RHS criterion या rule कह लो, क्या हुआ, राइट हैंड ट्रायंगल, इन राइट हैंड ट्रायंगल हाइपोटेनियस एंड वन साइड, ये हाइपोटेनियस है, एक और साइड इक्वल हो गया। तो RHS congruence rule से ट्रायंगल कौन सा, BEC congruent to, और मैंने बोला था लाइव क्लासेस में कि लिखने पे ध्यान रखना, जरा बताओ E परपेंडिकुलर है ना, तो F को बीच में रखो, इसके बाद BC मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ बात बन रही कि नहीं, BC इक्वल टू BC है ना, तो BC इक्वल टू BC बिल्कुल सही है, देखो BC इक्वल टू BC उसी क्रम में लिखा हुआ है। BE कहाँ पे है, BE CF शुरू में CF है क्या, अच्छा ये गड़बड़ हो गई, तो C यहाँ पे, B यहाँ पे, अब सही है, देखो मेरी बात समझ लो कैसे, पहले तो मैंने कुछ भी लिख दिया मान लो BEC, अब दूसरे वाले को बड़ा सोच के रखना पड़ेगा, E परपेंडिकुलर है, इस वाले में E 90 डिग्री, इस वाले में F, F को बीच में रखो, अब आपको पता है बच गया क्या, B और C, तो ऐसे रख सकते हैं क्या, चेक कर लेता हूँ, जरा बताइए BC इक्वल टू क्या, BC यहाँ तो ठीक दिख रहा, लेकिन आगे देखो तो BE इक्वल टू CE, BE शुरू में, लेकिन C BE इक्वल टू क्या है, CF, BE CF तो नहीं है ना, तो C यहाँ पे डालना पड़ेगा और B यहाँ पे डालना पड़ेगा, अब देख रहे हो BE इक्वल टू CF, तो इस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसके बाद बहुत कुछ कह सकते हो, इसका मतलब एंगल B, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया, एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया, कह सकते हो ना, किस लिए, CPCT। अब एंगल बी एंगल सी हो गया, तो मुझे एक बात बताइए, अब अगर ये नहीं होता तो, अब ये देखो ये बी और सी हो गया, तो दो एंगल अगर इक्वल है तो वो क्या हो गया, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जब एंगल इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, देख लीजिए आप, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखना, लास्ट क्वेश्चन है, सो दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या है। अब एक बार बताओ, दो एंगल इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस हो गया कि नहीं हो गया, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा इसी टाइप का, मान लो ए बी सी है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला डी, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया, साथ में ये भी दे रखा ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा शायद, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी सो दैट एंगल बी इक्वल टू सी, पता है क्या दे रखा, फिफ्थ क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो ना, फिफ्थ क्वेश्चन ऐसे, तो ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया, साथ में ये दे रखा, ये दोनों इक्वल है, क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी, तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो जरा एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में, फिर इस वाले ट्रायंगल में, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है और ये 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, तो ए बी इक्वल टू ए सी, मैं किस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी टी, ए बी इक्वल टू ए सी, साथ में ए डी दोनों में कॉमन है, ए डी इक्वल टू ए डी, अब आपको पता है ना RHS congruence rule से, क्या जानते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस इक्वल हो और एक आध साइड इक्वल हो तो congruent हो जाता है, तो दोनों का दोनों congruent हो गया कि नहीं हो गया, कौन कौन सा, ट्रायंगल ए बी डी congruent टू ट्रायंगल ए सी डी, क्योंकि D 90 डिग्री है तो लास्ट में लिख दिया, ठीक है, हो गया। तो बड़े आराम से कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, किस लिए, सी पी सी टी। तो ये तो हो गया, आपको पता है एक्सरसाइज 4 इस सिलेबस के लिए आपको डिलीट हो चुका, तो एक्सरसाइज 4 नहीं पढ़ना है, और एक और क्लास लूँगा, वो क्लास थोड़ा लंबा चलेगा,
ट्रायंगल का, उसमें आपके जो डाउट्स होंगे वो मैं बताऊंगा, प्लस कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। आप कोई डाउट्स हैं तो आप पूछिएगा, तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा। और मैं इसको ट्रायंगल के लाइव क्लासेस भी हो जाएगा, उसमें आपके सारे डाउट्स बता दूंगा, ठीक है।